जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बालूदार के तीन दवाई, रतन जूतम हॉस्पिटल, बालूदार के तीन दवाई, रतन जूतम हॉस्पिटल, बालूदार के तीन दवाई, रतन जूतम हॉस्पिटल, पुलिस प्रशासन होश में आ, 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 नोक में क्षेत्रीय विधायक शशिभूषण मेहता की अगुवाई में विशाल रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य प्रशासन द्वारा बालू उठाव पर रोक लगाना था। कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि 2022 तक सबका पक्का का मकान बन जाए, लेकिन यहाँ पर दलाल की कमिया थाना प्रशासन ये सब मिल करके इस कार्यक्रम का प्रधानमंत्री के उद्देश्य को फेलियर करना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग को बालू नहीं मिल पा रहा है, गरीब लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा है। बालू को उपलब्ध करें और फ्री करें, जिससे कि ऊँचे दाम पर जो आप दलाल की चौकियाँ बिकवा रहे हैं उसको उस दाम कम हो, और जहाँ 500 रुपये में बालू मिलता है 2500 मिलता है तो उसको कम दाम में मिले, तो सब ऐसा अपना मकान बनाने के साथ साथ उसमें 40 मापे भी लगा के गरीब कृपा। अब अभी जो है इतना कॉस्ट बढ़ जा रहा है, अब इतना परेशानी है कि उनको बालू मिले नहीं रहा है, तो बालू को दलाल की चोरियाँ समूह करना, थाना प्रशासन का इसमें हस्तक्षेप बंद करना, और आम आवाम को जो त्राहीमान है थाना के दलाल से, थाना से उसको मुक्त दिलाना एक पहला उद्देश्य है, जिससे कि गैर सरकारी काम के साथ साथ सरकारी काम जैसे तहसील भवन, अस्पताल, आंगनबाड़ी और ये जितना भी काम है आसानी से लोग कर सके और खुशी से अपना जीवन यापन कर सके। थाना में पूरे जोर शोर से दलाली चल रहा है, यहाँ पीएम आवास के लिए और भी अन्य काम के लिए बालू के लिए लोग तरस रहा है, लेकिन फिर भी जो है कि बालू किसी को नसीब नहीं हो रहा है, और 1200 1400 रुपये गरीब को बालू उपलब्ध हो रहा है वो भी दलाल। हमको मत लाइए, रुकिए ना, हमको मत लाइए, बालू बालू उठना चाहिए, जिससे पीएम आवास के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता है, और अगर बालू 25 गाड़ी लगता है और 1200 रुपये गाड़ी तो 30-35 हज़ार तो बालू में ही पार हो जाता है, तो बताइए कि आवास कैसे बनेगा। और यहाँ के